स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 22 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे को सेलिब्रेट किया है। अब ये दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को हमारे स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में सारे सिविलियंस अधिकारियों को संबोधित किया था, उनको लीड किया था, और वहीं पे इन्होंने सिविलियंस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा था। इसीलिए इस दिन को हम सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, 21 अप्रैल को हमने वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे को सेलिब्रेट किया। इस दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसको 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। आप सबको पता है कि इसमें क्या मुद्दा होगा, जाहिर सी बात है COVID-19 से हम कैसे निपटें, इसी मुद्दे पर अभी सारी मीटिंग्स में चर्चा किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो दुविधा है वैश्विक रूप में वो यही है, COVID-19 ही है। बात करें NDB की, तो इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और संघाई चाइना में एस्टैब्लिश है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट KV कामत जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है, सचिव नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अब नए सचिव कपिल देव त्रिपाठी जी हैं, आपको इमेज में दिख रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश ने COVID-19 कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है। अब इसके तहत इन्होंने कहा है कि लगभग 1,00,000 आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे अगर उनको किसी केस में COVID-19 होता है तो उनको 50,000 रुपये दिए जा सके। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं तथा गवर्नर लालजी टंडन हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे डपाजियो ब्रिज का निर्माण किया है। तो ये एक डपाजियो निर्माण है। इसका उद्घाटन पेमा खांडू जी ने, यानी जो कि अरुणाचल प्रदेश के CM हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। ये 430 फीट लंबा है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इनके CM पेमा खांडू हैं तथा गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश ने निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए ई संजीवनी OPD को शुरू किया है। यानी अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सलाह, कोई भी एडवाइस चाहिए, तो इनके ई संजीवनी OPD पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करके इनसे एडवाइस लिया जा सकता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के CM जयराम ठाकुर जी हैं तथा गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय जी हैं। आपको सारे स्टेट्स के CM गवर्नर बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में CM और गवर्नर एक बहुत ही हॉट टॉपिक होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। एक बार जब आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो जब इनमें बदलाव होता है तो भी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप सभी लोग CM और गवर्नर अच्छे से याद कर लिया करें। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, ICICI बैंक ने अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग को शुरू किया है। अब ये क्या है, तो आपको बता दिया जाए कि आप एलेक्सा पे जाके या गूगल असिस्टेंट का यूज़ करके ICICI बैंक की साइट पर जाकर आपके अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपने कितना ट्रांजेक्शन्स किए हैं, आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट ब्याज मिला है, इन सबकी जानकारी आप वॉइस बैंकिंग के थ्रू जान सकते हैं। बात करें ICICI की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में जो MD हैं वो संदीप बख्शी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, फरारी के चार्ल्स लेक्लेयर ने चाइनीज़ वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये जो फार्मूला F1 रेस होता है, अभी कोरोना के कारण नहीं हो पाया है, तो इसको वीडियो गेमिंग के थ्रू एक वर्चुअल ग्रैंड प्री किया गया है और फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेयर ने इसको जीत लिया है। हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र सरकार ने पेपर और मैगजीन की डोर टू डोर डिलीवरी पर रोक लगा दिया है। इन्होंने ऐसा किया है कि अब अखबार और मैगज़ीन आपके डोर पे नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, वायरस को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मुंबई और दिल्ली अभी हॉट स्पॉट सेक्टर है जहाँ पे कोरोना वायरस के मामले बेहद गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मामले पाए जा रहे हैं, तो इन्होंने यह स्टेप लिया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी हैं तथा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, स्विट्जरलैंड ने अपने मैटरहॉर्न पर्वत पर एकजुटता को दिखाने के लिए इंडियन फ्लैग को शो किया है। ये न्यूज़ आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि जितने भी देश COVID-19 से फाइट कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा हौसला अफजाई किया जा सके। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो इसके कैपिटल बर्न है तथा करेंसी स्विस फ्रैंक है। तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। आज जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपसे मैं आसियान के सारे मेंबर कंट्रीज़ को पूछूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे आंसर दिए और कल ही सारे 10 मेंबर्स कंट्रीज़ का आंसर किया है। आज एक बार फिर से आपको उन 10 कंट्रीज़ का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। चाहे आप कहीं से सर्च करिए, चाहे कहीं से पढ़िए, चाहे जैसे भी, पर आंसर करने की हैबिट ज़रूर डेवलप करिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें।